दर्यापूर अमरावती मार्गावरील पेट्रोल पंपाजवळ गुरुवारी रात्री 8 वाजता एका कुटुंबाच्या चारचाकी गाडीवर गोळीबार करण्यात आला होता. सदर प्रकरणात गोळीबार केल्याप्रकरणी 3 आरोपींना अटक केली असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी दिली. महेश जालमसिंह हरदे, श्रद्धा हरेल, अजय चंद्रकांत पवार सर्व राहणार मलकापूर असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. प्राप्त माहितीनुसार आरोपी महेश जलमसिंह हरदे यांच्याशी जखमी पीडित तरुणी हिची सोशल मीडियावर ओळख झाली होती. आरोपी हा बँगलोरमध्ये प्रॉपर्टी ब्रोकर म्हणून काम करतो तर जखमी तरुणी ही अमरावती येथे शिक्षण घेत होती. त्यानंतर त्यांची मैत्री वाढत गेली व आरोपी हा बँगलोरवरून अमरावती येथे वास्तव्यास आला व कठोरा नाका परिसरात घर भाड्याने घेऊन राहत होता. आरोपी काही दिवसांपूर्वी पीडित तरुणी हिच्या अंजनगाव येथील घरी गेला व पीडित तरुणीच्या आईवडिलास म्हणाला की मी तुमच्या मुलीसोबत लग्न केलंय, तिला माझ्या सोबत पाठवा. संबंधाची कागदपत्रे सुद्धा त्यांनी दाखवली होती, परंतु पीडित तरुणीने तिच्या आईवडिलास ही बाब खोटी असून विवाहाची कागदपत्रे बनावट असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर पीडित तरुणीच्या आईवडिलांनी त्याला घरातून निघून जाण्यास सांगितलं. त्यानंतर आरोपी महेश जालमसिंह हरदे याने पीडित तरुणी व तिच्या आईवडिलांच्या नावाने पोलीस स्टेशन गाडगेनगर येथे तक्रार दिल्यानं सदर तक्रारीची चौकशी करता 7 डिसेंबरला पीडित तरुणी ही तिची आईवडील व परिचयातील गजानन हरपुळे सर्व राहणार अंजनगाव सुरजी यांच्यासह गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात आले होते. तेथील कामकाज संपल्यानंतर ते अमरावती ते अंजनगावकडे जाण्याकरिता निघाले असता आरोपीने दुचाकी व चारचाकी वाहनाने त्यांचा पाठलाग करून दर्यापूर पेट्रोल पंपाजवळ त्यांच्या वाहनावर चालत्या वाहनातून गोळ्या झाडल्या. त्यात पीडित तरुणी हिच्या मानेला गोळी लागली, तसेच गजानन हरपुळे सुद्धा जखमी झाले. त्यानंतर आरोपी हे बीएमडब्ल्यू कार, इनोव्हा कार व पल्सर दुचाकी वाहनानं घटनास्थळावरून भातकुली मार्गे अमरावती शहर कारंजा लाडला पडून गेले होते. पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करून आरोपी महेश जालमसिंह हरदे, श्रद्धा हरदे वयवर्ष 22, अजय चंद्रकांत पवार वयवर्ष 45, सर्व राहणार मलकापूर यांना अटक केली. सदर प्रकरणात आरोपींचे अन्य साथीदार आकाश चव्हाण व पुरुषोत्तम राठोड, धनंजय दिधोरकर यांचा कसोशीने शोध घेणे सुरू आहे. सदर प्रकरणाचा पुढील तपास दर्यापूर पोलीस करीत आहेत. सदरची कार्यवाही पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साडी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी गुरुनाथ नायडू यांच्या मार्गदर्शनात स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक किरण वानखडे, दर्यापूर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार संतोष टाले, सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन पवार, पोलीस उपनिरीक्षक नितीन चुलपात, संजय शिंदे, सागर हटवार यांच्या पथकानं केली आहे. कल रात को 8 बजे दरियापुर पुलिस स्टेशन अमरावती रूरल के अंडर में जो है एक फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो है 26 साल की महिला है. वो अपने परिवार के साथ में ट्रैवल कर रही थी और उनकी गाड़ी पे ऊपर में जो है एक्यूज़ ने 2 राउंड फायर किए हैं, ऐसा पता चला था. काफ़ी शोध के बाद में जो है एक्यूज़ड, जो मेन एक्यूज़ड है वो तो ताबे में लिया गया है. उनके अलावा बाकी इतर उनके सह आरोपी जो हैं उनको भी ताबे में लिया गया है. बाकी किस कारण से एक्यूज़ ने ऐसा किया है उसकी चौकसी चालू है, बट काफ़ी तरह के एलिगेशंस हैं कि इन कारणों के ऊपर में. एंड ऐसा भी कहना है कि एक्यूज़ड बेसिकली एक्यूज़ड और विक्टिम जो है एक दूसरे से परिचित है और आपस में उनकी फ्रेंडशिप वगैरह थी. और एक्यूज़ड का जो है विक्टिम के खिलाफ में नाराज़गी थी कि उन्होंने उनका आर्थिक फसवन किया है, ऐसा एलिगेशंस एक्यूज़ड का कहना है. साथ में विक्टिम जो है वो काउंटर एलिगेशंस उन्होंने किया है अगेंस्ट द एक्यूज़ड और उनका विक्टिम का जो है FIR दाखिल है. अंजू, आरोपी के एलिगेशंस हैं कि उनका और जो विक्टिम है उनका शादी हुआ है एंड विक्टिम ने जो है इनका आर्थिक फसवणूक किया है बड़ी अमाउंट का, ऐसा एलिगेशंस जो है एक्यूज्ड ने किया है. बट अदरवाइज़ विक्टिम का ऐसा कहना है, विक्टिम के फैमिली का ऐसा कहना है कि ये जो भी एलिगेशंस एक्यूज्ड कर रहा है कि शादी वगैरह हुआ है वो पूरे फॉल्स हैं एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ है. उल्टा एक्यूज़ जो है विक्टिम को स्टॉक वगैरह कर रहे थे और बाकी इतर लोगों को, गुंडा वगैरह लोगों को लेकर आके उनके और उनके फैमिली मेंबर्स को धमका रहे थे, ऐसा काउंटर एलिगेशंस जो है विक्टिम के फैमिली वगैरह ने किए हैं. विक्टिम जो है शी गॉट मैरिड एंड उनका जो है डिवोर्स प्रोसीडिंग उनके हस्बैंड के खिलाफ में चालू है एंड उसके बाद में ये बाकी का घटना वगैरह हुआ है. तो अभी विक्टिम की मदर के ऐसा एलिगेशंस हैं कि विक्टिम के एक्स हस्बैंड ने ही ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी वगैरह करके ये सब ऐसा करवाया है, ऐसा विक्टिम के मदर के एलिगेशंस हैं. बट उसको